दुर्ग के डिबरापारा निवासी प्रार्थी आबिद कुरैशी की भेड़ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर दुर्ग कोतवाली पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए रुवाबांधा और कैंप 2 से 3 आरोपियों को धर दबोचा है। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थी आबिद कुरैशी डिबरापारा निवासी ने अपनी भेड़ चोरी होने की सूचना देकर शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान उसने बताया कि किसी अज्ञात वाहन C07MB 2014 में आकर एक भेड़ करीब 18 माह ऊंचाई 3 फीट रंग काला को लेकर फरार हो गया, जिसकी लगभग 25,000 रुपए कीमत बताई गई, जिसको लेकर दुर्ग कोतवाली पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए पतासाजी करते हुए भेड़ चोर लल्लू खान को रुआ बांधा से पकड़ा। इसके बाद खरीदी किए गए 2 आरोपी सलमान और शाहरुख खान दोनों सगे भाई को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान कोतवाली पुलिस 3 आरोपियों पर अपराध दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी महेश कुमार ध्रुव ने प्रतिक्रिया दी। ये डिबरापारा निवासी है आबिद कुरैशी करके, ये अपने यहाँ थाने में आया हुआ था कि उसकी एक भेड़ है जिसको कोई आदमी जो है दोपहर के करीबन 12:30-1 बजे के बीच में चोरी कर लिया गया करके। वो बताया कि वो उनके पिताजी जो है उसको चराने के लिए कहीं गए थे, 5-6 भेड़ और था, तो उसको एक गाड़ी वाला जो इंडिका गाड़ी में था और उसको लेकर चले गए, उसको चोरी करके ले गया करके। बाद में वो उसके जब इन्होंने CCTV फुटेज चेक करवाया तो उस गाड़ी का नंबर भी मिला। नंबर मिलने के बाद में ये लोग मेरे पास में रात्रि 12:30 बजे आए थे। 12:30 बजे आकर बताया कि बोले सर एक नब्बू नाम का आदमी है जिसके पास ये गाड़ी है करके, और अभी वो रुआ बांधा भिलाई में खड़ी हुई है करके। इस सूचना पर मैं और मेरे जो पोट्रोलिंग स्टाफ था हम लोग वहाँ पर में गए, नब्बू खान के घर गए। नब्बू खान के घर जाने के बाद में काफ़ी दरवाज़ा खटखटाया तो नब्बू खान दरवाज़ा खोल नहीं रहा था, तो जैसे तैसे पुलिस जो है उसके घर के अंदर घुसी और नब्बू खान जो है काफ़ी बाथरूम के अंदर छिप गया था, वहाँ से निकाले उसको। लेकर जब पूछताछ किए बकरे के संबंध में तो उसने घटना करना स्वीकार किया और बोला कि जो उक्त भेड़ था उस भेड़ को उन्होंने कैंप 2 का जो सलमान खान है नाम का जो आदमी है उसके पास में ले जाके बेचा है करके। जब उसके घर गए, सलमान खान के घर गए, तो वहाँ पर जाने उसका भाई मिला शाहरुख, और सलमान भी मौके पे वहीं पर मिला। तो उसने बताया कि दोनों से ही इनसे संबंध में बकरा बेचने के संबंध में बातचीत हुई थी, और सलमान और शाहरुख को फिर वहाँ से अरेस्ट करने के बाद में थाना लेकर आए और अभी उसके खिलाफ में चोरी की कार्रवाई हो रही है। इस मामले में कितने लोगों को आरोपी, अभी टोटल 3 लोग इसमें आरोपी हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।